आज के सवाल वीडियो के अंदर मैं आप लोग कुछ इस टाइप का पे स्मूथ फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, लाइटरूम प्लस ऑटोडेस्क एप्लीकेशन की सहायता से। मैं ऑटोडेस्क में एक न्यू टूल के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके आप अपनी फोटो काफी अच्छी तरीके से स्मूथ करना सीख जाएंगे। अगर आप इस टाइप का फोटो एडिटिंग बनाना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना, एंड इससे पहले अगर हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलेगा। तो चलेगा आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो क्या सबसे पहले तो आप लोग अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जाने और आने के बाद में आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन में जाके इस फोटो को यहाँ पे शेयर कर देने ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। तो चले यहाँ पे इसको शेयर कर देता हूँ, एंड शेयर करने के बाद कुछ इधर का इंटरफेस नजर आएगा तो यहाँ पे इसको पिछली वाली फोटो को डिलीट कर देता हूँ एंड अपनी वाली फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सिंपल से आने के बाद में आप लोगों को लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा ये ऊपर, तो साइड इस पर क्लिक कर देने, देन क्लिक कर देने के बाद में ऊपर को स्क्रॉल करना है आप लोगों को। मैं कौन सा वर्जन ऐड करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे सिंथेटिक पेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक कर देने एंड इसमें से आप लोगों को पेस्ट वाले बुक्स को सिलेक्ट कर लेना। देन सेलेक्ट करने के बाद में इसकी सेटिंग वाले ऑप्शन पर आना है, आने के बाद में सिंपल से सेटिंग में जाना है और आप लोग यहाँ पे ब्रश टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसकी सेटिंग चेंज थी बट मैंने इसको सही कर दिया। आप लोग यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाना और स्मूथ को सिलेक्ट कर लेना, देन इसकी लाइब्रेरी इसको सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे कट कर देता हूँ स्मूथ में आना एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना। देन इसकी सेटिंग को किससे रख लेना, आप चाहो तो क्या सिंगिंग शॉट भी ले सकते हो। देन इतना कर देने के बाद में यहाँ पे कट करना है एंड यहाँ से अपनी फोटो को कर देना जूम एंड कुछ इस तरह से अपनी राउंड राउंड स्किन के ऊपर ड्रॉ कर देना। आप चाहो तो इसका ब्रश की साइज भी इंक्रीज कर देना, इतनी कर लेना एंड कुछ इस टाइप से राउंड राउंड करके अपनी पूरी स्किन के ऊपर ब्रश को चला देना है। तो यहाँ पे देखिए तो काफ़ी अच्छी तरीके से अपना चेहरा स्मूथ हो रहा है, काफ़ी यूनिक तरीके से। सो आप लोग भी कुछ आसान तरीके से अपने चेहरे को यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे मैं पहले चेहरे को स्मूथ कर सको एंड यहाँ पे देखते हो कोई कोई जगह बुर्ज के ज्यादा दिख रहे हैं तो इसको यहाँ पे साइज को हल्का सा इंक्रीज करके कुछ इस टाइप से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके देन गाइस इतना होने के बाद में आप लोग क्या करना है, लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना ये रहा, तो लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे आ जाने और आने के बाद में एक प्लस वाला आइकन जाके लेयर बना लेने, लेयर पे क्लिक कर देने, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाके नीचे आने तो आप लोग यहाँ पे सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल से आप लोग सॉफ्ट लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने। नेक्स्ट आप लोग कलर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आप लोग को रेड कलर को सिलेक्ट कर लेने। चलिए मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कट कर देने। इसे लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाना है, लाइब्रेरी में जाने नीचे स्क्रॉल करना है तो आप लोग यहाँ पे ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना, सॉफ्ट इरेजर ब्रश को। तो चलिए मैं आप इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन इसकी सेटिंग वगैरह रख लेना, अपनी फोटो को कर देना जूम कुछ स्टेप से एंड ब्रशियाज को कम कर लेना हल्का सा एंड कुछ स्टेप से लिप के अंदर ड्रॉ कर देना जैसे मेरे होंठ भी यहाँ पे रेड हो जाएंगे। तो आप लोग भी कुछ स्टेप से अपने लिप को यहाँ पे रेड बना सकते हैं। सो यहाँ पे रेड हो चुके हैं, देन इतना होने के बाद में क्या करना है, अपने चेहरे को व्हाइट करने बनाने के लिए चेहरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, देन शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, उधर पे जाके इस फोटो को यहाँ पे शेयर कर देने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद में सॉरी आप लोग ऑल फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने, देन क्लिक कर देने के बाद में आप लोगों को अपनी यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेनी, देन सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को एक प्रीसेट मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर लेना है। देन यहाँ पे प्रीसेट वाली फोटो पे आ जाना है या पे स्मूथ वाले प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना एंड इसकी थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना यार, तो थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने, देन आप लोग यहाँ पे इसकी कॉपी सेटिंग मिल जाएगी, तो इसकी सारी सेटिंग को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो चले मैं यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे राइट करके अपनी ओरिजिनल वाली फोटो पे आ जाना है। देन आने के बाद में आप लोग को फिर से थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आना है, देन आने के बाद में आप लोग यहाँ पे सॉरी पेज सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये रहता है सिंपल से आप लोग पेज सेटिंग कर देने। तो जैसे पेज सेटिंग करेंगे वन क्लिक के अंदर आपकी फोटो कुछ स्टेप से एडिटिंग होके आ जाएगी जो कि काफ़ी ऑसम सी बन चुकी है। सिंपल से आप लोग क्या करना है, कलर वाले ऑप्शन पे आना है, मिक्स कलर्स में आने, तो इसकी सिचुएशन को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ एंड इसके लुमिन को कम कर लेता हूँ। ओके इतना कर लेना है। नेक्स्ट आप लोग ऑरेंज कलर्स में आना, इसकी भी वही को कम कर लेता हूँ मैं, सिचुएशन को कम एंड इतना कर लेता हूँ मैं। ओके देन बाकी सब सही एडजस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते कर सकते हो। देन यहाँ पे अपनी फोटो को बिफोर एंड आफ्टर दे, तो काफ़ी ऑसम अपनी फोटो बन चुकी है। सिंपल से आप लोग क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये रहा शेयर वाला ऑप्शन एंड शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे अपनी फोटो को शेयर कर देना टूल एज एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी फोटो को शेयर कर देता हूँ। ओके सो गाइस टूल वेज एप्लीकेशन में आने के बाद में सिंपल से आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को इफेक्ट वाले टूल्स पे क्लिक कर देना ये रहा
एंड क्लिक कर देने के बाद में आप लोग यहाँ पे इसमें सॉफ्ट इमेज का बोर्ड सॉरी टूल्स मिल जाएगा ये रहा, तो इस पर क्लिक कर देने, देन क्लिक कर देने के बाद में आप लोग यहाँ पे थ्री नंबर वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। तो ये रहा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन सेलेक्ट करने के बाद में इसके मास्क वाले ऑप्शन मिल जाएगा ये रहा, तो इस पर क्लिक कर देने, एंड क्लिक कर देने के बाद में आप लोग यहाँ पे क्लीन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देने। देन क्लिक कर देने के बाद में आप लोग यहाँ पे अप्लाई ब्रश को ले लेने, एंड अपने जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे ब्रश को ड्रॉ कर देने। तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप लोग कुछ स्टेप्स अपने पूरे हेयर के अंदर इसको ड्रॉ कर देने। तो चले यहाँ पे इसको फटाफट से कर लेता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, एंड कर लेने के बाद में सिंपल से आप लोग ऊपर राइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे राइट करके आप लोग को बैक हो जाने। देन यहाँ पे अपनी फोटो देखो, काफ़ी खतरनाक अपनी फोटो एडिटिंग हो चुकी है। सिंपल से गाइस ऊपर आप लोग कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, एंड यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना। आई होप कि गाइस वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना।